यह हालत है कि ये भी बाहर निकलना बड़ी मुश्किल है। निकलना पड़ता है तो मास्क या फिर रुमाल को मुंह पे लगा के। रुमाल इसलिए लगाया हूँ, जो मास्क लगाया था धोया नहीं, घर में था बहुत दिनों से ना, इसलिए तो रुमाल ही यूज करूँगा, क्योंकि बाहर निकलने पे सब लोग कहते हैं भाई कुछ ना कुछ लगा के चलो, अपनी नहीं सेफ्टी के लिए दूसरों के सेफ्टी के लिए लगा के निकलना ही ज़रूरी है। बारिश का पूरा पूरा मौसम बना है अभी, जो देख सकते हो शाम के 6 बज रहे हैं। कल रात को भी बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उतना नहीं हुआ था कि पानी वानी इकट्ठा हो सके, लेकिन आज तो अभी से मौसम पूरा पूरा लग रहा है। बाहर चल रहा हूँ, थोड़ा सामान लेना है, सेफ्टी है, मतलब लोग हैं बट उतना ज़्यादा लोग को आने जाने नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। ये कुछ अर्जेंट जो बस, मतलब छोटी मिनी बस थी, वो चल रहा है, और कुछ गाड़ियाँ वगैरह जिनको ज़रूरत है वही आ जा रहे हैं। और ये राशन की दुकान और वो सब्जी की दुकान, कुछ वेजिटेबल शॉप्स और नारियल का दुकान, यही चल रहा है। ऐसा नज़ारा आप देख सकते हो। तो ये वही बस स्टैंड है, यहाँ भी खाली है और कुछ लोग देखो बैठे हुए हैं। फिलहाल रोड का सीन कुछ ऐसा यार, बहुत अच्छा लग रहा है, शाम का टाइम है। देखो ये फूल पत्तियाँ भी अच्छी लग रही हैं, काफ़ी बढ़िया यार, अच्छा दिख रहा है पूरा। रुमाल मोटा होता है, सांस फूलने लगती है यहाँ पे। तो मुझे जो है ना दो सामान लेना है, इसलिए मैं थोड़ा आराम करता हूँ। ये बस स्टैंड है यहाँ पे, मतलब पहले मैं यहीं से ड्यूटी जाया करता था, पता है आप लोग को, जब मैं, मेरे पास बाइक नहीं थी, मैं यहीं पे आता था आधे आधे घंटे, एक एक घंटे इंतज़ार करके मैं ड्यूटी के लिए जाता था इस जगह से। तो ये जगह मैं कभी नहीं भूल सकता यार, अभी भी कभी गाड़ी, मतलब कोई ऐसा काम नहीं रहता तो हम बाइक में ही जाते हैं और यहीं से जाते हैं, तो एक दिन के लिए मज़ा आता है उस दिन बस में जाने के लिए, अच्छा लगता है, मतलब यादें जो है सबकी ताज़ा होनी चाहिए यार। ये देखो पीछे कुछ ऐसा है, अभी लोग निकल रहे हैं, जिनको जो सामान वामान लेना है वही आ जा रहे हैं, दूसरा कोई आ नहीं, एकदम नहीं आ जा रहा है। और इसके अपोजिट में देखो ये पार्क भी है ना, ये वाला बीडीए पार्क। तो मैं चलता हूँ फटाफट, ले लेता हूँ ताकि पुलिस वुलिस ना आए और हमको डंडे मारे। तुम्हारा भाई मार खाना एकदम नहीं चाहता कि परेशानी कोई हो। तो भैया देख सकते हो रोड यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, गाड़ियाँ कुछ दिख रही हैं बहुत कम, और बैंक चालू है, एक कॉरपोरेशन बैंक है यहाँ पे। और आप लोग को जानकारी के लिए बता दूँ, बैंक वगैरह चालू है, अगर बैंक नहीं चालू रहेगी तो हम लोग की सैलरी कैसे आएगी और पैसे का लेन देन कैसे होगा, इसलिए सरकार ने बैंक चालू रखा है। मुझे कुछ थोड़ा यहाँ से सामान लेना है, मैं लेके आता हूँ, आप लोग को बताता हूँ क्या लेना है। सामान हो गया यार, ये मेरे पास एलोवेरा जूस है 260 रुपीज़ का, मैंने कार्ड से पेमेंट किया, पेटीएम मेरा काम नहीं कर रहा है क्योंकि इंटरनेट पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। हाँ ये अपना धृत कुमारी का एलोवेरा जूस यानी रस, और ये जो है पड़ा हमको देखो भाई 260 रुपये का, और यही था और कहीं मिल नहीं रहा है तो इसलिए मैंने इसको लेना पड़ा मुझे। ये जो है 500 ml का ही है, इधर ये देख सकते हो, और ये पड़ा हमको 260 का, काफ़ी महंगा है देखो 500 ml, तो आप इसकी कॉस्ट समझ सकते हो। और ये भैया हैदराबाद में है, तेलंगाना में मैन्युफैक्चरिंग इसका हुआ है, ठीक है इसको भी देते हैं पतंजलि से कैसा है, मैंने पतंजलि का पिया, अभी इसको ट्राई करता हूँ। एलोवेरा को ही धृत कुमारी कहते हैं यार, मतलब कंपनी धृत कुमारी नहीं है, मुझे इसका हिंदी पता नहीं था, देखो इधर लिखा है एलोवेरा रस यानी धृत कुमारी रस। वैसे मैं जो इसको ना रेगुलर पतंजलि का लेता हूँ, इसको तो नहीं था उनके पास इसलिए मुझे ये लेना पड़ा। अभी लॉकडाउन चलते हो बोल रहे हैं, कोई वेंडर सप्लाई नहीं कर रहा है,
तो इसलिए यही लिया मैं। फ़िलहाल ठीक है, जब तक यही पियेंगे, थोड़ा हेल्थ के लिए अच्छा है, डॉक्टर ने बोला है मुझे पीने के लिए, तो मैंने कुछ दिनों से रेगुलर इसको पी रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। और एक मुझे आंवला का भी लेना था, उनके पास नहीं था, तो मैंने बोला जो मिलता है वही लेके चलो। आपको पता है अभी लॉकडाउन में वो बोल रहा है कोई भी वेंडर सप्लाई के लिए नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ उनकी एजेंसी पे लेके आ रहा हूँ। तो मतलब मैं सोचा दोनों साथ में मिक्स करके भी मैं पीता था पहले, अभी यही मिला है तो सिर्फ यही पीऊँगा। अगर अगली बार मिलता है कहीं पर तो वो लेके फिर पीऊँगा दोबारा। फ़िलहाल तो यही लेने के लिए मैं घर से बाहर निकला था, मेरा ख़त्म था, अभी रेगुलर पी रहा हूँ। अगर आप में से कोई पीता है और इससे क्या होता है अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी हवा तो साफ़ है बट एक दूसरे लोग साफ़ नहीं बचे ना, मतलब हवा के देखो कितनी शुद्ध है। और शाम के 6:30 बज गए हैं अभी, मुझे चलते चलते एक आधा घंटा हो गया घर से निकले हुए, तो मैं घर भी जल्दी अपने मतलब पहुँचने वाला हूँ, थोड़ी ही दूर बचा है गाइस, ज़्यादा दूर नहीं है। बट ये पीछे का नज़ारा कुछ देख सकते हो, ये बड़े बड़े लोगों का घर है यार, बढ़िया। मतलब जो अच्छे पैसे कमाते हैं या फिर VIP जगह पे काम वाम करते हैं, ये उनका घर है। एक सेफ्टी मैं आप लोग को बताऊं, आप लोग ना कहीं भीड़ भाड़ में जाओ ना तो पहले आप अपने से मास्क वगैरह लगा के जाओ, नहीं तो पता है लोग खुद आपको टोकने लगेंगे कि तू मास्क नहीं लगा रखा है, ये है वो है। तो इसलिए सेफ्टी के लिए मास्क भीड़ भाड़ वाली जगह में, मतलब जहाँ पे 2-4-10 लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, दुकान पे तो लगा के ही जाओ आप लोग। तो गाइस ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने विचार जो है हमको कमेंट भी करना, और आप लोग इसको बताना आप लोग भी पीते हो, कोई लेता है क्या इसका सेवन, मतलब कोई करता है क्या आप लोगों में से जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है भाई, बाय।